ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा है ना, लेकिन ये ऐसा नहीं था। नियर अबाउट 1 month मैं घर पे नहीं था, इसलिए इन सबों का हाल बहुत बुरा हो गया था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विंटर का सीज़न आ चुका है, इसलिए आज मुझे 4 बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टास्क करना है। इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स मैं आपको देने वाला हूँ। मेरा पहला टास्क एक्वेरियम को क्लीन करना है। जब आपका एक्वेरियम का वाटर से थोड़ा डिफरेंट टाइप का स्मेल आना शुरू करे और कुछ इस तरह का बबल दिख जाए, कुछ पार्टिकल दिख जाए, तो आपको तुरंत एक्वेरियम का वाटर को चेंज करना चाहिए। एक्वेरियम के ग्लास के ऊपर जो वाटर मार्क होता है, इसको क्लीन करने के लिए आप एसिड मत यूज़ कीजिए, लेमन यूज़ कीजिए। लेमन से बहुत अच्छी तरह से ये वाटर मार्क क्लीन हो जाएगा। मेरा ये एक्वेरियम एकदम क्लीन हो चुका है, अब मैं फिश को इसमें छोड़ने वाला हूँ। फिश को छोड़ने से पहले टेम्परेचर एडजस्ट करना बहुत बहुत ज़रूरी है, एटलीस्ट 15 मिनट्स। मेरा सेकंड टास्क है आउटडोर पॉन्ड क्लीन करना। विंटर सीजन आ चुका है, इसलिए सनलाइट बहुत ज़रूरी है, तो मैं इस ब्रांचेस को थोड़ा कट करने वाला हूँ जो इसके ऊपर गिरा है। विंटर का सीज़न में थोड़ा फ्लोटिंग प्लांट्स भी कम करना है, क्योंकि धूप पड़ना चाहिए वाटर में। थोड़ा एक्वाटिक प्लांट्स को भी मैं ट्रिम करूँगा, क्योंकि इसका डेंसिटी बहुत बढ़ गया है, खेलने का जगह कम हो गया है। अभी मैं टॉप फिल्टर की मदद से 2/3 ऑफ वाटर बाहर निकलने वाला हूँ, उसके बाद मैं फ्रेश वाटर को इसमें भर दूंगा। We'll be right back.
आप देखिए मेरा आउटडोर टैंक एकदम क्लीन हो चुका है, फिश का खेलने का जगह भी मिला है, इसमें धूप भी गिर रहा है ठीक ठाक से, तो विंटर सीजन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए यह है मेरा गप्पी टैंक, इसमें 3 बेलून मॉलिस था, एक बेलून मॉलिस मर गया है ठंड में, बाकी 2 बेलून मॉलिस को मुझे शिफ्ट करना है इंडोर एक्वेरियम में। मेरा 4th टास्क है, ये जो आप एंजल्स देख रहे हैं इसको मैं इंडोर एक्वेरियम में शिफ्ट करूंगा। आप देख सकते हो मेरा इंडोर एक्वेरियम में वाटर हीटर लग चुका है, अभी मेरा एंजल्स और बाकी सब फिश एकदम सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मरने का चांस भी नहीं है। सो गाइस, इस वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।